हाय गाइस, वेलकम बैक टू अपडेट योर सेल्फ। मैं हूँ मधुर, आप देख रहे हैं अपडेट योर सेल्फ आपका चैनल। गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगी FRDI बिल के बारे में, जो कि अभी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा, यानी विंटर सेशन में। और अगर ये बिल पास हो गया तो इसका सीधे सीधे इफेक्ट जो भी पड़ने वाला है वो आपके पैसे पे पड़ने वाला है जो आपने बैंक में रखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अपना पैसा बैंक में रखा है तो वो डूब सकता है अगर FRDI बिल पास हो गया तो। अभी बहुत सारी कंफ्यूजन इसको लेके क्रिएट था लोगों में कि ये क्या है, और मैं आपको बता दूं कि ये क्या है और किसका स्थान लेगा पूरा डिटेल्स में। मैं आपको बता दूं कि अगर FRDI बिल पास हो गया तो ये DICGC का स्थान ले लेगा। जी हाँ, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि अभी तक था अब और अभी भी है, और ये 1961 से ही हमारे बैंक्स में है। लेकिन अगर FRDI आ गया तो ये हट जाएगा और इसके जगह पर FRDI आ जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो DICGC था उसमें वेल आउट का प्रावधान था, जबकि जो FRDI आने वाला है इसमें वेल इन का प्रावधान है। मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको DICGC बता देती हूँ क्या था। DICGC ये था कि इसे 1961 में लागू किया गया था, और इसमें ये था कि कोई भी डिपोजिटर्स यानी हम लोग अपना पैसा अगर बैंक में रखते हैं तो बैंक उसमें 1 लाख रुपीज की इंश्योरेंस करती थी। यानी अगर बैंक दिवालिया हो गया तो आपको आपका 1 लाख रुपए मिलना श्योर था। बट इसमें बेल आउट का प्रावधान था, इसलिए अभी तक आज तक अभी भी 70 सालों में किसी का भी पैसा नहीं डूबा। क्योंकि बेल आउट का मतलब ये होता है कि अगर बैंक दिवालिया होती है तो इंडियन गवर्नमेंट और RBI उसे पैसे देती है और उसे स्टेबल करती है और मेंटेन करती है। यानी कि डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं लिए जाते, वो बाहर से ही पैसे लाए जाते हैं। यानी बैंक के अंदर जो पैसे उनका यूज नहीं किया जाता, बल्कि RBI और इंडियन गवर्नमेंट उन्हें पैसे देगी उन बैंक्स को और उन्हें स्टेबल कर देगी। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट ने इस बैंक को इतना पैसा दिया, उस बैंक को इतना पैसा दिया। और अगर सपोज कोई बैंक छोटी है, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान बैंक थी, वो छोटी बैंक थी, वजह उसके दिवालिया होने का समय आया था, उसके दिवालिया होने का जब टाइम आया था तो उसने डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं लिए थे, बल्कि गवर्नमेंट ने उस बैंक को ICICI में मर्ज कर दिया था। यानी डिपॉजिटर्स बिल्कुल सिक्योर थे। बट अगर FRDI आ गया तो इसमें है बेल इन का प्रावधान। अब बेल इन से मैं आपको मतलब समझा देती हूँ क्या होता है। अगर बेल इन लागू हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपके 1 रुपए कभी इंश्योरेंस नहीं होता है। और अगर कोई बैंक दिवालिया होती है, बैंकरप्ट होती है, तो गवर्नमेंट उसे बोल देगी, देखिए आपके पास जितना भी डिपॉजिट से सारा ले लो, अपने को बैंकरप्ट घोषित कर दो, डिक्लेयर कर दो यू आर बैंकरप्ट, और आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, आपका पूरा मनी बैंक ले ली जाएगी। लेकिन अभी जैसा कि अरुण जेटली ने बोला, मिस्टर अरुण जेटली हमारे, उन्होंने बोला कि ये जो पैसे हैं वो लिए नहीं जाएंगे, बल्कि इसे एक फिक्स डिपॉजिट में कर दिया जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि इसे हमने फ्रीज कर दिया, बट इसे कितने टाइम के लिए फ्रीज करना है इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसे कितने टाइम के लिए फ्रीज करना है। बैंक अपने अकॉर्डिंग इसे 10 साल, 5 साल, 8 साल, 20 साल कभी तक के लिए फ्रीज कर सकते हैं। यानी जितने टाइम के लिए बैंक ने आपका पैसा फ्रीज कर दिया उतने टाइम तक आप बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ती है तब भी नहीं निकाल सकते, जबकि अभी कंडीशन ये थी कि आप खुद अपना फिक्स डिपॉजिट एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अपना पैसा फ्रीज कर देते हो, जब आप चाहे उसे निकाल सकते थे, तुड़वा सकते थे। लेकिन फिर ऐसा प्रावधान नहीं रहेगा, यानी बैंकों में पैसा रखना हो जाएगा मुश्किल। अगर आपने अपना बैंक में पैसा रखा है तो उसे बैंक कभी भी बिना किसी नोटिफिकेशन के खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर करके उसे ले सकती है, क्योंकि इसमें आ जाएगा बेल इन का। अब अगर बैंक बैंकरप्ट होगी तो ना तो गवर्नमेंट और ना ही RBI उसे मेंटेन करेगा, बल्कि वो बैंक अपने ही डिपॉजिटर्स का पैसा लेके खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगी और आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देगी। तो ये था FRDI बिल। और DICGC में ऐसा नहीं था, उसमें आपको 1 लाख का इंश्योरेंस गारंटी दिया जाता था, पर आपके पैसे कभी नहीं लिए गए। क्यों? क्योंकि उसमें बेल आउट का प्रावधान था। अगर कोई बैंक बैंकरप्ट होगी तो बाहर से गवर्नमेंट उसे पैसे देके स्टेबल करती थी। तो FRDI बिल अगर पास हो जाता है तो आपके पैसे डूब सकते हैं, इसीलिए मैं इस बिल के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ गाइस। और प्लीज अगर आपका पैसा भी बैंक में है तो हो जाइए सचेत। और गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी।